عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका है कि जो बंदा मुझ पर दिन भर में अगर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े क़यामत उससे मुसाफा फरमाऊँगा। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस दौर में हमारे प्यारे इस्लामी भाई ने अपनी शादी के मौके पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया है। ये सच्चे और पक्के आशिक रसूल की पहचान होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी महफिल बाबरकत की वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जिक्र खैर हो रहा है, अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से इनकी तमाम परेशानियों को दूर करे और इनके आने वाली नस्लों को आशिके रसूल बनाए, नेक और परहेजगार बनाए। हकीकत में आशिके रसूल वही होता है जो इस घड़ी के अंदर भी जिक्र खैर करवाता है, अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद करवाता है। और इसी बावजूद में महफिल में वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं भूलता है। आज जो दौर चल रहा है इसके अंदर आप देखते होंगे कि नौजवान इस्लामी भाई क्या हाल होता है उनका। ऐसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं, अपने आप को आशिके रसूल कहते हैं, ख्वाजा का दीवाना बताते हैं, गौस का दीवाना बताते हैं। जब शादी ब्याह का मौका होता है तो वो इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। ना जाने कैसी कैसी बेहयाइयाँ होती है, डीजे तसव्वुर करना ही यूँ समझे कि सही नहीं है, इस तरह के हालात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने महफिल मिलाद का एहतमाम किया। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना चाहिए और जो तरीका हमारे नबी ने हमें बताया है उसी तरीके पर चल करके हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका है कि जब बंदा ऐसे फितना फौर दौर के अंदर अगर कोई मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे तो वो ऐसा है कि गोया उसने दुनिया ही के अंदर अपना मकाम जन्नत में बना लिया। तो मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, आइए सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपना मियार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मियार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। डालकर ऐबों पर पर्दा, डालकर ऐबों पर पर्दा, अपने अच्छों में डाल रखा है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह वो कलम तेरे हैं। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अली के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि सरकार, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है और मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूँ।
आप मुझे कोई ऐसा वजीफा या दुआ बता दे ताकि मैं उसे ख्वाब में देख सकूं। आप रहमतुल्लाह ताला अली ने उसे एक दुआ सिखलाई तो वो बुढ़िया खातून जब रात को दुआ पढ़ के सोती है तो अपने बेटी को ख्वाब के अंदर देखती है और इस हालत में देखती है कि उसके जिस्म पर जहन्नुम का लिबास सजा हुआ है, पाँव में जहन्नुम की बेड़ियां लगी हुई है, जहन्नुमी तारी की लिबास देकर वो घबरा जाती है। और जब सुबह होती है तो वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हाजिर होती है और कहती है कि सरकार, मैंने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा लेकिन उसकी हालत कुछ और थी। मैंने देखा कि मेरी बेटी के जहन्नुमी लिबास सजा हुआ है, पैरों में बेड़ियां लगी हुई है और वो जहन्नुम के अंदर देखा मैंने। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ अरसे के बाद फिर उसी लड़की को ख्वाब में देखते हैं। देखते हैं तो वो जन्नत के अंदर होती है, उसके सर पर जन्नती ताज सजा हुआ होता है, जन्नती लिबास सजा हुआ होता है। वो लड़की आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहती है कि क्या आपने मुझे पहचाना? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि नहीं। उस लड़की ने कहा कि मैं उसी खातून की बेटी हूँ जिसने आपको मेरी तबाकुन हालात बताई थी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि यह आपकी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब कैसे आ गया है? जब आपकी माँ ने मुझे बताया था आप जहन्नुम के अंदर थी, जहन्नुम में बेड़ियाँ लगी हुई थी, अब तू जन्नत के अंदर है, तेरे सर पर जन्नती ताज सजा हुआ है, ये इनकलाब कैसे आया? तो वो लड़की कहती है कि हमारे कब्रिस्तान के करीब से एक नेक शख्स गुजरा जिसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, तो उस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने हम पांचों कब्र वालों से अजाब उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, कितनी दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है, तो हम सबको भी दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। जो दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उससे इश्क रसूल बढ़ता है, और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व